सिक्स क्वेश्चन है, बाइक में सबसे मस्त आपको क्या लगा? ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली. बाइक में सबसे मस्त, अरे पूरी बाइक ही अच्छी लगी, इसे तो लिए मैंने, प्यार है मुझे उस बाइक से. ठीक है, वैसे कोई एक चीज आपको चाहिए तो करोल बाग से एक चीज खरीद लेना, बाइक देख लो. ठीक है, अच्छा मुझे डुअल एग्जॉस्ट बहुत पसंद है. इट्स नॉट नॉर्मल. ठीक है, इट्स नॉट नॉर्मल कि डुअल एग्जॉस्ट मिलते हैं, जैसे कि आपके डोमिनर में है दोनों साथ साथ. ठीक है, बट इट्स काइंड ऑफ रेट्रो लुक है ना, लाइक उन्होंने पुराना जावा. राइट, एग्जैक्टली. या नो डाउट वर्क इज ब्यूटीफुल. हां, इनफैक्ट आई एम थिंकिंग टू चेंज इट एक्चुअली. थोड़ा पैसे ऐसे आ जाए, आई एम थिंकिंग टू मेक इट इन कॉपर कलर. ओके, लेट्स ट्राई. अगर अच्छा लगेगा, बहुत सेक्सी लगने वाला है. ल्यूमिनस लाइम है ना, अपने इंस्टा पर डाल देना तो मैं वहां से देखूंगा. अच्छा लगेगा तो मैं भी ले लूंगा. श्योर श्योर श्योर. चलो तो सातवां क्वेश्चन पूछते हैं. जी जी. वैसे तो मैंने ट्राई कर लिया अभी बाइक का, बट आपसे पूछूंगा तो मुझे और आइडिया मिल जाएगा. बाइक का पिकअप कैसा है? इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली. या या या, पिकअप बहुत मैटर करता है कई बार. व्हाट यू फेल्ट? मुझे काफी अच्छा लगा पिकअप, लेकिन ये है कि मैं अभी मैंने चलाया था तो बड़ा प्यारा लगा, स्मूथ था और उसने तुरंत पिकअप लिया. एज अ कम्पेयर टू मैं किसी और क्रूज बाइक से कंपेयर करूँ, बहुत प्यारा लगा सच्ची. तो भाई ये कि आपने टूर वगैरह करा है, आपने अराउंड 7-8 महीने आप चला चुके हो, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. तो आप बताइए कैसा पिकअप कैसा है? इट्स नाइस एक्चुअली. सो फर्स्ट गियर पे ही बूम हो जाती है बाइक, लाइक दैट. आई लाइक इट. एंड बट आरी में एक्चुअली क्या होता है, आई शुड नॉट कंपेयर, बट आरी मेरे मेरे टंग पे इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे घर पे आरी ऑलरेडी है. ओके ओके ओके. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल सेज मी दैट आरी चलाओ आरी चलाओ. ठीक है, बट आरी है मेरे घर पे बॉस, बट आई लव जावा, दैट्स व्हाई आई राइड जावा. ठीक है, जावा. हाँ, तो आरी पे फर्स्ट गियर पे आप बूम नहीं हो सकते हो, बट जावा में फर्स्ट गियर में आप बूम हो जाते हो, लाइक वू. वो चीज़ बहुत अच्छी है. पिकअप नो डाउट इट्स सॉलिड. अभी अब जैसे आपने इतना टाइम चलाया बाइक को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपने ऑफ रोडिंग वगैरह करी है, तो आप काफ़ी नॉलेज हो चुके हो कि आप जो बाइक का ब्रेक है वो लाइक वो सेटिस्फाइड हो आप उससे? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं ना कहीं कुछ कटौती करी हो, ब्रेक एकदम परफेक्ट है, आपने कभी पैनिक में लगाया हो ब्रेक वगैरह सब कुछ? अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपन, दिस थिंग हैपन्स विद मी. कभी डॉग्स आ जाते हैं, कभी काउज आ जाते हैं. या इंडियन रोड पर तो नॉर्मल. एग्जैक्टली. और कभी भी सडन गड्ढा आ जाता है. ये तो नॉर्मल चीज़ है. हाँ, तो आई हैव डुअल एबीएस. मैं जहाँ पे लगाती हूँ वहीं पे रुकती है. इट्स परफेक्ट. ओके, इट्स परफेक्ट फॉर मी. ऑफ रोडिंग में आपको कोई इशू तो नहीं हुआ? लाइक थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो. देखो, ऑफ रोडिंग इट्स एक्सपीरियंस. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग. ठीक है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ रोडिंग में, यू कांट राइड. आप गिरोगे, 100% गिरोगे. ठीक है, तो होता है, कभी कभी हो जाता है हमसे भी. और सो नाइन्थ क्वेश्चन. बाइक में कुछ चेंज कराने की जरूरत है बाइक लेने के बाद, क्या कोई पार्ट खामी लगी है तो? अब व्हील्स तो समझ गया मैं, व्हील्स के अलावा लाइक मैंने आपको पहले ही बोला सीट. सीट, हाँ हाँ, सीट, सॉरी सीट. सीट के अलावा ऐसा कोई चीज़? लोग हैंडल बार राइजर बोलते हैं कि हाइट का कुछ इशू वगैरह ऐसा भी है क्या? मुझे नहीं हुआ फिलहाल तो. बट आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'10" अब अप्रॉक्स. 5'10" मुझे याद नहीं, बट 5'10". अच्छा, मेरा 5'2" है. ओके, मैं 5'2" हूँ, आप 5'10" हैं. तो देखिए, अब तक तो आपको लगा नहीं ना मुझे लगा, ऑब्वियसली मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. राइट, माय हाइट इज लाइक मोर ओवर परफेक्ट फॉर दिस बाइक. शॉर्ट हाइट के तो ठीक ही है जब आपको. हाँ एग्जैक्टली. 5'10" आपकी है, मेरे भाई की है 5'11". ठीक है, ही इज़ ऑल्सो फाइन. ही हैव नेबुला ब्लू. ओके, सो He is also fine with that. And हाँ, कुछ Java riders मैंने मेरे group में हैं, they also didn't put the handle riser, they didn't change the handle also. They said whatever Java is giving is beautiful. Beauty. Yeah, true. Java is true beauty. Exactly. 10th question, main question है, बहुत ही important है. कई लोग तो इसके बिना bike भी नहीं लेते हैं.
माइलेज कितना देती है? अच्छी है, अच्छी देती है। आप यदि 80 to 100 आप मेंटेन कर रहे हो ऑन द हाईवे, यू विल गेट लाइक 34-35 किलोमीटर पर लीटर। ओके ठीक है, मैंने एक वीडियो में पर आवर बोल दिया था, बहुत टोल हुआ था मेरा उसमें। सो और यदि आप सिटी में कर रहे हो, यू विल गेट 30-32। ठीक है, मेरा लगभग 1800 किलोमीटर की राइड थी मेरी टोटल देखा जाए तो, वो गोंडा वाली राइड। ठीक है, और जितने भी किलोमीटर्स मैंने बनाए हैं वो मैंने सिटी में ही बनाए हैं। ओके। ठीक है, तो दिल्ली के ट्रैफिक में जितना हो सका उतना चलाया मैंने। okay. और 3500 बन गए, तो मेरा 30 से लेकर 32 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है मुझे। हाईवे वाला। और यदि आपको गंदा से गंदा ऑफ रोडिंग करना है तब आपका कुछ कह नहीं सकती मैं, सॉरी। डिपेंड ऑन राइडिंग स्टाइल। ओके, एग्जैक्टली। 11th क्वेश्चन है, काफ़ी जरूरी क्वेश्चन है कि लोगों को होता है दिक्कत कहीं बाइक लेने के बाद, काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सेल बाइक की सर्विस कैसी है? ओके, इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। अ लॉट ऑफ पीपल जावा ओनर सेज दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द देयर वर्कशॉप। इट डिपेंड्स ऑन वर्कशॉप टू वर्कशॉप। कुछ लोगों को अच्छे सर्विस नहीं मिल रहे क्योंकि मैकेनिक्स कुछ उतना नॉलेज नहीं है कुछ मैकेनिक्स को, और कुछ मैकेनिक्स को नॉलेज है। ठीक है, बट मेरे वर्कशॉप से मुझे अभी तक रीजनल एरिया पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एरिया टू एरिया एक्चुअली। वर्कशॉप में आपके कितने अच्छे मैकेनिक्स है डिपेंड्स ऑन मैकेनिक एक्चुअली। मतलब ये है कि अगर आप सर्विस अच्छी नहीं तो दूसरा जगह ट्राई मार। यस ऑफ कोर्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग सैटिस्फाइड यू चेंज द वर्कशॉप, दैट्स इट। जैसे कि मैं अपने पिछले बाइक्स में करती थी, मेरे पास बजाज बोल रही हूँ, होंडा नवी है, होंडा नवी के वर्कशॉप से मैं कभी खुश नहीं थी। आई चेंज लाइक 4 वर्कशॉप्स। Then after I got satisfied. अभी तक का टोटल बाइक पे आपका खर्चा कितना आया है, कितना पैसा उसने किया अभी तक का? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ। कोई आठ पार्ट चेंज हुआ है या फिर कुछ है, ऐसा कुछ कोई बड़ी खामी ऐसा कुछ हुआ है? सी, मैंने 4-5 वीडियोस बनाए हैं इस मैटर पे, आपको वो देखना चाहिए था। पहली चीज़ तो आपने देखा नहीं है, इट्स वेरी हर्टिंग एक्चुअली। अरे नहीं, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। बेसिकली मैं फर्स्ट सर्विसिंग में 1084 का लगा था। हाँ, मैं कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, और ज़्यादा डिटेल जानना है तो चेक माई वीडियो। ओके, डेफिनेटली। ठीक है, और सेकंड सर्विसिंग में भी 1084 लगा था मेरा। ओके, अराउंड 2000 2200 रुपये करीब। एग्जैक्टली। कई बार होता है ना, बाइक लेने से पहले आप डेफिनेटली कंपैरिजन करते हो, ये बाइक वो बाइक, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि मैं कौन सी बाइक लूँ। जहाँ कोई टू लेता तभी मैं श्योर होता, तभी कंफ्यूजिंग रहता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले, अगर कोई भविष्यवाणी हो जाए लाइक, तो आप जावा 42 के अलावा दूसरी बाइक कौन सी लोगे अगर मौका मिल जाए आपको चेंज करने का बाइक? तो आप पैसे दोगे? मतलब अगर मान लो मैंने आपसे बाइक ले ली, मैंने आपको पैसा दिया कि दो, अच्छा, और आपका तो मौका मिल जाए तो। ओके, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर पराग एक्चुअली। ओके या ओके ओके ओके, बट मैं जावा 42 को नहीं दूंगी आपको, जावा 42 के साथ में पराग को दूंगी। ओके, मतलब दो भाई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे पास तब हो जाएगी, अभी 3-4 हो जाएगी। ओके, ठीक है, मेरे को भी एक बाइक दिला दो। सो बेसिकली आई वेंट फॉर पराग एक्चुअली। I love the bubble look. But जब मैं गई थी लेने के लिए, मैं अक्टूबर में गई थी बुकिंग करवाने के लिए, उस टाइम पे बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई थी पराग की, बट एक पराग लाके खड़ा कर दिया था शोरूम में उन लोगों ने। इट वॉज सो लाइक फिजिंग,
लिटरली कि आपके सामने बाइक है बट आप बुक नहीं कर सकते हो. ओके सर, बुकिंग बंद कर रखी थी उन्होंने. हाँ तो 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बस. श्योर श्योर. बाइक का वेट बैलेंस कैसा है? वैसे कोई क्वेश्चन दिमाग में किसी का आता नहीं है बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइक का उन्होंने वेट बैलेंस कैसा कर रखा है. इट्स नाइस एक्चुअली. लाइक वैसे मैंने भी चलाया था, मेरे को एकदम परफेक्ट लगा. लाइक अभी नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है. मैंने इसके इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचा नहीं है. नहीं बट राइड कराओ तो अभी कभी कभी लगा कि ऐसे किसी साइड वेट ज़्यादा या किसी साइड वेट कम है. ऐसे बहुत सारे बाइक्स में आपको लगेगा कि थोड़ा सा टिल्ट हो रही है राइट साइड, थोड़ा सा टिल्ट हो रही है लेफ्ट साइड. में से है या इशू आपके कौन सा साइड टिल्ट हो रही है? मेरा राइट साइड में हैवी है, उसका हैंडल ना हैवी, तो राइट साइड उनका थोड़ा सा वेट बैलेंस अच्छा नहीं है. वो डोमिनर में तो नॉर्मल से है. तो नहीं, इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा, यू विल फील दैट यू आर गोइंग स्ट्रेट. लाइट वेट समथिंग फील रहता है, कोई भी साइड में कहीं पे भी ऐसा वैसा नहीं होता है. ऐसा वैसा नहीं होता, ऐसा होता है सिर्फ ऐसा. सो सी, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम जस्ट अ ओनर, आई एम जस्ट गिविंग माय ओन रिव्यू. ओके, ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मैकेनिक के पास जाइए, यू विल गेट इट आउट. एग्जैक्टली. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपका इंटरव्यू यहाँ पर खत्म हो जाएगा इसके बाद. ओके, तो बाइक को 5 में से कितने पॉइंट हो गए? 5 में से कितना? मैं 4 चार दूंगी. ओके, सो एक पॉइंट आपने डिडक्ट किया. आई थॉट आप 5 दोगे, बट डिडक्शन का आप डेफिनेटली आप करीब. सी, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है. या ट्रू. ठीक है, कुछ ना कुछ खामियां होती है. डेफिनेटली. ठीक है, और उसी खामी के लिए मैंने 1 पॉइंट काटा. ओके ओके. ठीक है, पहली चीज़ हो गई ओडोमीटर. ओडोमीटर एक्चुअली क्या होता है, फ्यूल कभी कम दिखाता है, फ्यूल कभी ज़्यादा दिखाता है. ओके. ठीक है, मतलब आप लॉन्ग राइड में कंफ्यूज रहोगे कि आप भरवाऊँ कि ना भरवाऊँ, भरवाऊँ कि ना भरवाऊँ. हाँ, क्लासिक वालों को ऐसा लगता है कि उनका ओडोमीटर बहुत फ्लैट है, बट मुझे नहीं लगता. जहाँ 42 में ऐसा कुछ है. ठीक है, ये बढ़िया है, ओडोमीटर का पोजीशन सही है. ओडोमीटर, देन आफ्टर आपका टायर हो गया, जो कि आपको पता ही है, सीट हो गया. ओके, सीट का नॉर्मली का टोटल 3 पॉइंट्स इन 1 पॉइंट. 3 डिफेक्ट्स जो हो सकते हैं वो आपने 1 पॉइंट में हटा दिया. एग्जैक्टली. सो चलो, थैंक यू सो मच. हो जाए अब मुझे क्या मिलेगा? आपको मैंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी आपका. हाँ, मैंने इतने सारे बकवास किया, जस्ट 1 कोल्ड ड्रिंक. कोई नहीं, आपको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा आपके चैनल को डेफिनेटली. ओके, और आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे मैं देखूंगा उसको. श्योर. अगर मुझे पसंद आए मैं डेफिनेटली तब भी देखूंगा. तो मिलते हैं अगले प्रसारण में. श्योर. अभी के लिए बाय बाय.